भगवान की बधाई जी। प्रणाम चरण स्पर्श साहब का, ठीक है। खुश रहे, खुश रहे जी। अच्छा लगा। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ बने। तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर राज्य में एनडीए सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा कि लालू प्रसाद यादव एनडीए विधायकों को फोन कर उन्हें मंत्री पद का प्रलोभन दे रहे हैं। तो बता दें आपको कि कुछ दिन पहले नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में एनडीए की सरकार का गठन हुआ है। राज्य की 243 सीटों की विधानसभा में एनडीए के पास 125 सीटें हैं, जबकि महागठबंधन के पास 110 सीटें हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सुशील मोदी ने ट्वीट में एक नंबर भी जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जानकारी मिलने के बाद मैंने लालू यादव को कॉल किया तो लालू यादव ने सीधा फोन उठाया, जिस पर मैंने कहा कि जेल से ये गंदी हरकतें ना करें, आप सफल नहीं होंगे। वहीं आपको बता दें कि सुशील मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लालू यादव पर आरोप लगाते हुए एक ऑडियो क्लिप भी जारी किया है। आप भी सुनिए इस ऑडियो क्लिप को। हेलो, हाँ प्रणाम, विधायक जी बोल रहे हैं? मैं उनका पीए बोल रहे हैं सर। हाँ दीजिए तो साहब बात करें मैं, माननीय लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जी? जी रुक जाइए सर, एक मिनट रुक के लाइन। हाँ दे रहे हेलो जी, कहाँ से सर? रांची से। अच्छा अच्छा हेलो जी, प्रणाम सर, साहब बात कर रहे हैं जी। आप पासवान की बधाई जी। प्रणाम चरण स्पर्श साहब का, ठीक है। खुश रहे, खुश रहे जी। अच्छा लगा। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ बने। तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो इसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। हाँ तो पार्टी में नहीं सर, नहीं पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। कोरोना हो गया था फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। पार्टी में सर थोड़ा सा ठीक है सर, ऑब्सेंट हो जाते पासवान। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करेंगे सर। ठीक है ठीक, ऑब्सेंट हो जाओ ठीक।